हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप? ये मेरे पीछे है जी चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन। तो आज के एपिसोड में मैं आपको इस रेलवे स्टेशन की सैर कराने वाला हूँ। ये है जी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, यहाँ से एग्ज़िट है और इसके राइट साइड में जब हम एंटर करते हैं तो ये एक स्टीम इंजन, एक मॉडल है, ये मॉडल नहीं इनफैक्ट है, सिंबॉलिक ये रखा हुआ है रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ ही। और इस इंजन के बिल्कुल साथ ही बाहर की तरफ जाते हुए रेलवे का कंप्यूटराइज रिजर्वेशन ऑफिस है। ये एंट्रेंस पे रोड है और उसके जस्ट अक्रॉस ये प्रीपेड ऑटो टैक्सी का ये बूथ बना हुआ है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है ये। और इसके पीछे है जी पार्किंग, जहाँ की अपनी प्राइवेट कार्स, टैक्सीज और ऑटो वगैरह पार्क किए जाते हैं। और इसी के साथ ही बाहर की तरफ है जी बस स्टैंड, जहाँ की लोकल बसेस बड़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी के ऊपर मिल जाती हैं। 1743 PGI मोहाली राम दरबार 22। और इन सब के बाद हम चलते हैं जी स्टेशन के अंदर। वेलकम टू चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, प्लेसेस टू सी रॉक गार्डन, सुखना लेक, यजिंद्रा गार्डन। ये है जी यहाँ अंदर के व्यूज, अभी ये डेवलपमेंट का काम चल रहा है इधर। ये है जी यूजुअल रश, जो कि इंडिया के सभी रेलवे स्टेशन में देखने को मिल ही जाता है। अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, मई महीने की गर्मी में पैसेंजर्स फर्श के लेट के ऊपर अपना वेट कर रहे हैं ट्रेन की। ये है जी एंट्रेंस। यहाँ का राउंड लेके जब तक हमारी ट्रेन नहीं लगती है, मैं आपको दिखलाऊंगा कि स्टेशन में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या कितने प्लेटफॉर्म अंदर है जी। ये जितने भी ट्रेन यहाँ आती हैं उनकी डिटेल लिखी हुई है, 41 नंबर तक हैं ये। और ये उप स्टेशन डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट, ये माहौल है जी रेलवे स्टेशन का, जैसा कि इंडियन रेलवे स्टेशन सभी पे मिलता है। और ये एक फैमिली अपना काम चला रही है, लगता है भोजन घर से लेके आए हैं ये, और नीचे ही अपना बैठने का इंतजाम कर लिया है। भी अति विशिष्ट VIP लाउंज, ये तो जब कोई आता होगा तभी खोलते होंगे। रेलवे स्टेशन के ऊपर जी 6 प्लेटफॉर्म है, जैसे लिखा हुआ एंट्री प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। एक नंबर प्लेटफॉर्म ऑफकोर्स ये है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। तो आगे चल के देखते हैं, यहाँ मल्टीपर्पज़ स्टॉल पंकज एंड कंपनी, यहाँ मल्टीपर्पज़ है तो मल्टीपल चीज़ें ही मिलती होंगी। ये स्नैक्स मिल रहे हैं, बुक्स मिल रही है, मैगजीन्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं। तो ये जो है इसकी, ये लगता है कि नहीं, ये सफाई वालों का काम है। जो सफाई पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इसमें, ये झाड़ू मारने वाला, ये लिफ्ट लगे ऊपर जाने के लिए। मैं एंड तक जाने की कोशिश करता हूँ। ये RP है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पोस्ट। वाटर वेंडिंग मशीन है, काम करती है नहीं करती मुझे मालूम नहीं है। ये दूसरा ये क्या उसका है, इंडियन रेलवे एक्सप्रेस फूड सर्विसेज, ये इंडियन रेलवे का प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बना हुआ है जैसे लिखा हुआ है। ये इंडियन रेलवे के बनाया और मेंटेन करते हैं। ये अपर क्लास वेटिंग रूम दूसरा दर्जा, ये मैं एंड प्लेटफॉर्म की एंड तक जाइए, जो डिफरेंट ट्रेन में लगे जाती है सब यहीं इकट्ठी करके आगे वे डिपॉजिट कराते होंगे। कार्यालय 6 बजे से 22 बजे तक, मतलब सुबह 6 बजे रात के 10 बजे तक। पार्सल बुकिंग ऑफिस है 9 to 21। सामान नाशवान पेरिशेबल गुड्स 24 आवर। यह शौचालय पुरुष महिलाओं के लिए, सफाई तो है जी पहले से इम्प्रूवमेंट।
इसमें कोई दो राय नहीं है। वाओ, ये जी रिटायरिंग रूम भी बने हुए हैं, सीनियर सेक्शन है, विश्रामालय कक्ष 2-3, विश्रामालय कक्ष रिटायर रूम कोई बोलते हैं मेरा क्या, रिटायरिंग रूम चार्जेस है जी 24 आवर्स 700, 12 घंटे के लिए 400 रुपये। लॉक है तो मैं अंदर तो नहीं जा सकता। ये है जी चंडीगढ़ प्लेटफॉर्म के एक्सट्रीम कॉर्नर के ऊपर क्लॉक रूम, ये अपना सब डिपॉजिट कराया हुआ है लोगों ने, पैसेंजर्स ने। ये लिखा है फॉर फर्स्ट 24 100 रुपीज़ पर पैकेज, बढ़ा दिया है, नेक्स्ट 24 100 रुपीज़ मोर, तो ये रेट्स लिखे हुए हैं जी। तो ये सब डिपॉजिट किया हुआ है लोगों ने सामान। ये मोटरसाइकिल ऐसे लेके जाते हैं जी पूरी तरह से, ये जो फटने वाली चीज़ें थी उसको ये पैक किया जाता है ताकि ख़राब ना हो। रेलवे स्टेशन पर वाटर वेंडिंग मशीन लगी हुई है, आर ओ प्योरीफाइड कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर 300 ml 1 रुपये, 500 ml 3 कंटेनर प्राइस रिफिल, ये अलग अलग रेट्स है। और ये फिल कैसे कराएंगे, इन्होंने एक क्वाइन डाला और इसको ये रिफिल कर रहे हैं, ये बड़ी इम्प्रूवमेंट है जी। नहीं हुआ नहीं है, मुझे लगता हुआ नहीं है, ये क्वाइन लगता है इनका वेस्ट जाएगा, नहीं हुआ। यही प्रॉब्लम है कि सिस्टम तो बन जाते हैं लेकिन फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती है इनकी। ये सीढ़ियों के साथ साथ लिफ्ट भी लगी हुई है जी रेलवे स्टेशन पे, इसमें लिफ्ट से उतरा हूँ जी अभी। ये मेरी राइट साइड पे एस्केलेटर लगे हुए हैं जी बाहर जाने के लिए, डिफरेंट ट्रेन से जहाँ जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे आएंगे वे लगा हुआ डिस्प्ले किया गया है। और ये यूजुअल रश है, ये जी इसके पीछे तो पहाड़ शुरू हो जाते हैं, बड़े अच्छे व्यूज है, कालका की तरफ जाती है। ये स्टेशन के दूसरी तरफ ही पार्किंग बन गई है, पहले ये नहीं हुआ करती थी। तो दोस्तों ये स्टेशन का दूसरा कोना है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, साफ सफाई काफ़ी है और इसके दूसरी तरफ भी एस्केलेटर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का एपिसोड यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, तो उसके साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए।